डिश वॉशर है बेसिकली, कैंटीन से टाटा स्टील में। जिसमें लंच आवर्स में काफ़ी रश हो जाता है और मैनुअल क्लीनिंग होती है अभी प्लेट्स की, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने ये बनाया है ऑटोमेटिक डिश वॉशर। इसमें तीन जोन्स हैं, लोडिंग, वॉशिंग एंड अनलोडिंग, और इसमें दो सेंसर्स लगे हुए हैं, एक लोडिंग जोन में और दूसरा अनलोडिंग जोन में। लोडिंग जोन में हमारा जो रैक है वो प्लेस होता है अलॉन्ग विद दी अनवॉश्ड यूटेंसिल्स, और वो वॉशिंग जोन में जाता है जहाँ से हाई प्रेशर जेट नॉजल से पानी और सोप की मिक्सचर आता है और फिर प्लेन वॉटर आता है। 15 सेकंड्स वॉशिंग जोन में रहने के बाद वो अनलोडिंग जोन में जाता है जहाँ पे दूसरा सेंसर डिटेक्ट करके मोशन को स्टॉप कर देता है और सिस्टम स्टॉप हो जाता है। जो वेस्ट वाटर है वो वहाँ से ड्रेन होकर निकल जाता है, और उसके अलावा एक सोप डिस्पेंसर भी हमने डाला हुआ है जिसको बार बार रिफिल किया जा सकता है। और ये सिस्टम टोटली स्क्रैप से बना हुआ है, तो हमारा कॉस्ट इसमें बहुत कम है। एक्चुअली यूटेंसिल्स एक रैक पे प्लेस होता है, रैक एक प्लेस ये रैक है, इसमें यूटेंसिल्स रखाएंगे। हम प्लेट्स या कुछ और भी रख सकते हैं, बट हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्लेट्स बस रखे हैं। वो सेंसर सेंस किया और ये वॉशिंग जोन में गया। ये थोड़ा देर यहाँ पे रह के इसमें पानी आता है डिफरेंट एंगल्स पे आता है ताकि प्लेट का हर साइड और हर एक एज क्लीन हो सके। सिमिलर अरेंजमेंट नीचे भी है। प्रेशर होता है वो कितना? वो 2 bar का है, अभी हमने 2 bar रखा हुआ है, और वो चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और फिर उसके बाद 15 सेकंड्स यहाँ रहा ये वॉशिंग जोन में, और फिर अनलोडिंग जोन में चला गया जहाँ पे दूसरा सेंसर इसे सेंस करके स्टॉप कर दिया। ओके, पावर ट्रांसमिशन गियर मोटर भी है, गियर भी है, और जो गियर है वो 15 तो अप्रॉक्सीमेटली 80 का गियर रेशियो हमारा टोटल। गियर का टाइप कौन सा गियर ये एक्चुअली हम जो साइकिल की गियर आते हैं ना, जो जिस पे पेडल लगता है वो चीज़ है, और नीचे जो है वो स्प्रॉकेट जो फ्री व्हील रहता है साइकिल का वो चीज़ है। तो वो गियर रेशियो अटेन करने के लिए उतना लगा है। 0.25 किलोवाट की मोटर है। अच्छा, तो मोटर जेट। थैंक यू।